टंके की चोट पे आगे जितनी भी वीडियोस इन टॉपिक पे बनाऊंगा पहले ही आपको प्रूफ के साथ बता दूंगा कि ये वीडियो वायरल करवा के दिखाऊंगा। तो गाइस आप में से काफी सारे लोग ऐसे हैं जो अपने हार मान चुके हैं अपने चैनल से, क्योंकि उनके चैनल पर इतनी ज्यादा वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, स्टिल YouTube की नजर में आपका चैनल नहीं आ रहा है। यानी कि ना ही आपके चैनल पर ब्राउज फीचर बढ़ा रहा है, ना ही सजेशन से व्यूज आ रहे हैं, ना ही YouTube सर्च से व्यूज आ रहे हैं, यानी कि कोई भी ट्रैफिक सोर्स आपके चैनल पर नहीं बढ़ रहा है। लेकिन गाइज आज की इस वीडियो में जो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा बिल्कुल जेन्युइन होने वाला है, जो मैंने फॉलो किया था। देखो गाइज इस तरीके को आपको आज नहीं तो कल, क्या बोल रहा हूं मैं, आज नहीं तो कल आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। लेकिन जितने लोग आज से फॉलो करने लग जाएंगे उनके चैनल पर व्यूज, डायरेक्शन, सारी चीजें ओपन हो जाएंगी, यानी कि व्यूज भी आने लग जाएंगे, आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाएगी किस डायरेक्शन में आपको काम करना है, और साथ ही साथ आपका चैनल चलेगा कैसे ये आपको हर दिन एनालिटिक्स में आपको मालूम चल जाएगा। कैसे, क्या तरीका है अभी भाई हमको जल्दी से बताओ। तो इस वीडियो में देखो ध्यान से देखना पड़ेगा, अगर टाइम निकाल के आए हो तो टाइम निकाल के इस वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि इस वीडियो में जो भी बताऊंगा वो टोटल के टोटल जेन्यून है। YouTube की एल्गोरिथम सबसे ज्यादा उसको फेच करती है, पकड़ती है, और उन तरीकों को जिसने भी फॉलो किया है वो अपने चैनल पर आज लाखों में सब्सक्राइबर लेके बैठा है, अच्छी तरीके से अपना चैनल ग्रो कर रहा है। मैंने दोबारा लाइन ये बोल रहा हूँ, आज नहीं तो कल आपको ये चीजें तो देखनी पड़ेंगी। चलो इस वीडियो में जानने को मिलेगा, वीडियो काफी मजेदार होने वाली है, वीडियो को आप सभी लोग लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया अभी वे का चैनल, अरे यार कब का वेट कर रहे हो यार, फटाफट से सब्सक्राइब वाला बटन दबाओ यार। चलिए गाइस आज के मजेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए भाई अब मैं आ चुका हूं साइड में, अब मैं जो भी चीजें आप लोगों को बता रहा हूं आप लोगों को ध्यान पूर्वक सारी चीजें समझनी पड़ेंगी, स्किप कर करके देखोगे तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है अभी के अभी वीडियो छोड़ के चले जाओ। लेकिन जो लोग एक्चुअल में अपने चैनल पर वायरल करवाना चाहते हैं वीडियोस को, अपने चैनल को एल्गोरिथम में लाना चाहते हैं, क्योंकि भाई एल्गोरिथम में जब तक आपका चैनल नहीं आएगा नहीं ग्रो होने वाला, चैनल को एल्गोरिथम में लाना पड़ेगा, आपकी वीडियोस को यूट्यूब के एल्गोरिथम में फिट करवाना पड़ेगा। सुनो सबसे पहले आप लोग सभी लोगों से रिक्वेस्ट है अपने फोन में ट्यूबबडी को इंस्टॉल करिए। जैसे ही आप लोग ट्यूबबडी को इंस्टॉल करते हो, वीडियोस को जैसे ही अपलोड करते हो, अपनी वीडियोस में फाइल नेम जरूर ऐड करिए। आपका न्यू चैनल है, आपका चैनल ग्रो नहीं हो रहा है, आपके सब्सक्राइबर बेस नहीं है, आपके व्यूज नहीं आ रहे, तो गाइज आप लोग वीडियोस का फाइल नेम जरूर ऐड करिए, ठीक है। अब वो कैसे ऐड करना है, वो बेसिक सा है, जब भी आप वीडियोस को एडिट कर लेते हो उसके बाद रीनेम का ऑप्शन आता है, वहां पर आप अपने फाइल नेम ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो जब भी आप अपलोड करोगे तो उस फाइल नेम से आपकी ऐड हो जाएगी, उसमें फाइल नेम में कीवर्ड्स डालने, यानी कि जिस टॉपिक से भी रिलेटेड वीडियोस बनाइए उस कीवर्ड को आपको रीनेम में यहां पर फाइल नेम में डाल देना है, डालना है शुरुआत का। सेकंड काम, आपको ट्यूबबडी में ये जो चार ऑप्शंस आपको शुरुआत के दिखाई देते हैं ना, ये आपकी किस्मत बदल देंगे आपकी वीडियोस की, मैं हकीकत बता रहा हूं मेरे भाई। जब जब आज नहीं तो कल आपको इन पर फोकस करना ही पड़ेगा, मैं बता रहा हूं, क्योंकि आप भी चाहते हो मेरी वीडियोस YouTube सर्च में आए, आप भी चाहते हो मेरी वीडियोस सजेशन में आए, ब्राउज में आए, तो ये चीजें वही बता रही हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं लाखों की भीड़ में आपको एक अलग चमकना है, क्यों, क्योंकि YouTube सर्च में कंपटीशन होता है बहुत। देखो गाइस कोई भी टॉपिक लोगे ना, हमारी टेक कैटेगरी का कोई भी टॉपिक हो, सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाए, व्यूज कैसे बढ़ाए, हाउ टू ग्रो YouTube चैनल, ऐसे ही हर कैटेगरी में बहुत टॉप ट्रेंडिंग कीवर्ड्स होते हैं, टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं, उन पर कॉम्पिटिशन बहुत होता है, ऐसे में लाखों में अपनी वीडियोज को रैंक करवाना बहुत बड़ी बात होती है। तो इसके लिए आप ट्यूबबडी का ये वाला फीचर यूज कर सकते हो, जिसमें सबसे पहला है अपलोड हाई रेजोल्यूशन थंबनेल। आपका थंबनेल कैसा बना है किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आपने थंबनेल बनाया उसको YouTube पर अपलोड करो, वीडियोस में लगाओ, यहां पर वो ऑटोमेटिकली आपका अगर ग्रीन टिक आ गया आपके थंबनेल पे, यानी कि एल्गोरिथम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका थंबनेल बिल्कुल HD में अपलोड हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब थंबनेल पर क्या लिखना है वो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैसा क्लिकेबल लाइंस लिखनी है, कैसे कैची लाइन लिखनी है जिससे व्यूअर का अटेंशन ग्रैब हो सके उस थंबनेल में, ये आपको डिसाइड करना है, आपकी जिम्मेदारी है। पहला, दूसरा यहां पर लिखा है ऐड टैग्स टू योर टाइटल। आपको अपने टाइटल में टैग्स को ऐड करना ही पड़ेगा, अगर यूट्यूब सर्च में अपनी वीडियोस को लाना है, लाखों की भीड़ में एक अलग चमकना है, आपको टैग्स डालने पड़ेंगे अपने टाइटल में, जो भी कीवर्ड्स आपने अपनी वीडियोस में बोले हैं, अपनी वीडियोस में जिस टॉपिक पर वीडियो बनाई वो टैग्स आपको टाइटल में डालने पड़ेंगे। थर्ड थिंग, मोस्ट इंपोर्टेंट, डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड्स डालने के लिए बोल रहा है ना मेरे भाई, जब तक आप लोग डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड्स नहीं डालोगे आपकी वीडियोस नेक्स्ट लेवल तरीके से वायरल नहीं हो पाएंगी, यानी कि अभी आपके व्यूज नहीं आ रहे, आपकी वीडियो डेड पड़ी हुई है, ध्यान से समझ रहा, मैं जो भी बोल रहा हूं मैं वो एकदम सटीक बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस से गेन की हुई चीजें ही मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैंने अपनी वीडियोस को मिलियंस में पहुंचाया है मेरे भाई, जैसे मैं मिलियंस में पहुंचा रहा हूं ना वही तरीके आपको बता रहा हूं। आपको डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड्स डालने पड़ेंगे, अभी आपके वीडियोस का व्यूज नहीं आ रहे, आपको व्यूज लाने हैं तो वीडियो पर व्यूज लाने के लिए मेरे भाई डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड्स आज से ही डालना शुरू कर दो, भले 4 डालो, 5 डालो, 6 डालो, 10 डालो कीवर्ड्स, लेकिन वो कीवर्ड्स ऐसे होने चाहिए जो हाई सर्चेबल कीवर्ड्स होने चाहिए, हाई सर्च वॉल्यूम के साथ होने चाहिए, जो आपको ट्यूबबडी ही बता देगा। ट्यूबबडी का टैग एक्सप्लोरर यूज करो,
सारी चीजें बता देगा। चौथी चीज है टाइटल की लेंथ। टाइटल की लेंथ वैसे तो आप 100 तक डालते होगे मुझे मालूम है, लेकिन 80 तक डालोगे ना तो यहाँ पर भी ग्रीन टैग आ जाएगा। अब नीचे यहाँ पर ग्रीन और येल्लो आ रहे हैं, ठीक है। अब आपको कोशिश ये करनी है जो ग्रीन वाला पोर्शन है यानी कि ग्रीन वाले नंबर है वो ज्यादा रहने चाहिए एज कम्पेयर टू पीले वाले जो है नंबर, ठीक। अब जैसे पीले वाले 3 है तो यहाँ पर आपके ज्यादा रहने चाहिए, ऐसा है यानी कि ग्रीनिश होने चाहिए आपके। चलो मैंने आप लोगों को ये चीजें बता दी, ये चीजों पर आपको आज नहीं तो कल फोकस करना पड़ेगा, और करोगे जिस दिन से आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। मेरे भाई रोते रहने से कुछ नहीं होगा, काम तो करना पड़ेगा। मैं अगर रोता रहता तो नहीं मेरी वीडियोस रैंक कर पाती। आज जब भी मैं सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं या शॉर्ट वीडियो वायरल कैसे करें, यानी कि जो भी टॉपिक मैं अपने चैनल पर अपलोड करता हूं तो डंके की चोट पर मैं वो वायरल करवा के दिखाता भी हूं। मेरे भाई मैंने अपने चैनल के टॉपिक्स को फाइंड किया है, मैं उन पर वीडियो बनाता हूं तो रैंक करवाता हूं, ठीक है। ये बात झूठ नहीं है, मेरे चैनल पर जाके देख लो, जो भी इन टॉपिक्स पे वीडियो बनाता हूं हर वीडियो वायरल होती है। और डंके की चोट पे आगे जितनी भी वीडियोस इन टॉपिक पे बनाऊंगा पहले ही आपको प्रूफ के साथ बता दूंगा कि ये वीडियो वायरल करवा के दिखाऊंगा, और ये वीडियो वायरल हो भी जाएंगी मेरी डेफिनेटली तरीके से, आप देख लेना, ठीक। अब आपको वीडियो अपलोड के कुछ घंटे बाद काम क्या करना है, अब आपने वीडियो अपलोड कर दी ये सारी चीजों के बाद, ठीक, आप सोचोगे मेरे व्यूज नहीं आ रहे, कुछ समय तक नहीं आएंगे लेकिन व्यूज आपके आएंगे डेफिनेटली तरीके से, इस चीज को ट्राई करना। अब काफी सारे लोगों का गाइज अगर नेक्स्ट लेवल तरीके से और अपनी वीडियोस को एल्गोरिथम में बताना है कि मेरी वीडियोस को भाई अब तू रोक मत, तो और चला एल्गोरिथम को कहना भाई और चला वीडियोस को, अभी कहां नीचे की तरफ ग्राफ डाउन ले जा रहा है, तो ऐसे में आप यूज कर सकते हो उन YouTube सर्च टर्म के कीवर्ड्स का जो कि आपको 24 घंटे के अंदर जैसा डेटा दिखाता है तो डेटा दिखाता है, तो उनमें जो कीवर्ड्स होते हैं वो कीवर्ड्स अगर आप लोग टाइटल में चेंजमेंट्स करते हो, देखो टैग्स में करना कंपलसरी है, टैग्स में तो करना ही करना है, लेकिन अगर आप लोग टाइटल में भी चेंजमेंट कर देते हो तो वो ग्राफ जो आपका डाउन जा रहा था नेक्स्ट डे, पहले दिन आपके व्यूज थोड़े आए लेकिन नेक्स्ट डे आपका नीचे जाएगा, ऑब्वियस सी बात है हर किसी क्रिएटर का जाता है, लेकिन उसमें बूस्ट करना होता है अपनी वीडियो को, तो बूस्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो मैंने आप लोगों को बता दिया। टॉप यूट्यूब सिस्टम वाले कीवर्ड्स को अपने टाइटल में डालो तो जो ग्राफ आपका ऐसे डाउन जा रहा था वो अप भी हो जाएगा। ये तरीके गाइस जेन्युइन तरीके से फॉलो किए हुए हैं मेरे द्वारा और हर उस क्रिएटर के द्वारा जो आज बढ़िया सब्सक्राइबर लेके बैठा है, जो अपनी रैंक करवा रहा है वीडियो, जो अपनी ब्राउज सजेशन में लाखों व्यूज ला रहा है, वो सभी यार ये चीजों को फॉलो करते हैं। आपको आज नहीं तो कल ये चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी मेरे भाई, जब आपकी वीडियोस रैंक करने लग जाएंगी ना तो ऑटोमेटिकली आप ये सारी चीजें फॉलो करोगे, आपकी वीडियोस पे व्यूज आने लग जाएंगे ना तो आप डेली अपना ग्राफ देखोगे, डेली अपना एनालिटिक्स देखोगे, क्यों, क्योंकि आपको उससे मोटिवेशन मिलेगा और डेफिनेटली तरीके से आप उसको देखोगे। मेरे भाई हर क्रिएटर देखता है, आपके एनालिटिक्स से ही आपका आपको डायरेक्शन मिल जाएगी क्या बनाना है, कैसे कीवर्ड डालने, जो अभी मैंने बताया ना ये फॉलो कर लो एक महीने, आपका चैनल आपके आंखों के सामने ग्रो होता हुआ नजर आ जाएगा। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपने यार सभी लोग जरूर बताएगा। मिलता हूं ऐसे किसी अगले धमाकेदार वीडियो के साथ, अब तक के लिए बाय, जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।